सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो विथ फेस कैम। हम लोग मुझे ऊपर देख सकते हैं। सो आज मैं ये गेम खेलने वाली हूँ जिसका नाम है मेगा स्टोर। एंड अगर आप लोग चाहेंगे तो इस गेम की मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। सो बेसिकली मैं पहले इसकी स्टोरी बता देती हूँ। सो ये जो लड़की है ये मैं हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ एक पर्पल कलर का पता नहीं कौन है उड़ता हुआ, इसका नाम मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इसके लिए नाम सजेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि ये पहले बहुत रिच बिजनेसमैन हुआ करती थी एंड ये नंबर वन पे थी, लेकिन फिर FBI वालों लोगों ने मतलब इसके सारी मनी ले ली एंड कोर्ट तक पहुंचाकर फिर इसे 10 साल तक की जेल हो गई। और ये सब फोकैट्स नाम के किसी और बिजनेसमैन ने करवाया था, क्योंकि उसे नंबर वन पर दोबारा से आना था। अब तो ये पहले नंबर वन पे थी तो उसको नंबर वन पर आना था। सो उसने ये सब करामात करवाई एंड वो भी अपने बॉडीगार्ड्स की मदद से, या नौकर आप कह सकते हैं। सो हम लोगों ने एक नई तरह का मतलब स्टोर शुरू किया अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग भी फिर नंबर वन पर आ जाएं। सो पहले हमें कह दिया गया कि चूज़ योर स्टोर स्टाइल। सो हमें अपने स्टोर का स्टाइल चूज़ करना है। एज़ यू ऑल नो मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, सो बेसिकली तो मैं ग्रीन ही वाला कलर चुनने वाली हूँ। सो लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एंड अब ये कह रहा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू सेल। अब मेरे पास यहाँ पर तो 3 ऑप्शंस है, बट एक इसमें से एक लॉक है। सो मैं दोनों में से आइसक्रीम चूज़ करती हूँ, बिकॉज आई थिंक सो आइसक्रीम थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे आइसक्रीम वैसे ही बहुत पसंद है। सो लेट्स चूज़ दी आइसक्रीम। एंड ओहो, वी आर नॉट, बाय मिस्टेक मैंने सुपरमार्केट चूज़ कर लिया, बट अब क्या करें, अब हमने चूज़ ही कर लिया। अब लेट्स गो, कोई बात नहीं, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी गलती मैंने कर सकती है, मतलब बाय मिस्टेक। यही मुझे क्लिकिंग टाइप गेम्स थोड़ा इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। अब क्लिकिंग टाइप गेम्स में ना यही सब दिक्कत होती है कि अगर किसी और में क्लिक हो गया तो दिक्कत हो जाती है, बट अब कोई बात नहीं, अब हम लोग कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। सो कोई बात नहीं, अब वैसे ही अब हम बिजनेस मैन तो वुमन तो बनना ही है। सो लेट्स गो, अब मुझे यहाँ से दोबारा शायद कलेक्ट करना है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मतलब इसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे क्या, शायद पता नहीं। एंड वहाँ पे एक और कोई चीज़ दिखा रही है अनलॉक करने के लिए, पर मेरे पास उतने कॉइन्स नहीं है। कोई बात नहीं, हम जब और कॉइन्स कमा लेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। सो पहले तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख ली हैं एंड वी आर डन। सो मैं इसे अनलॉक कर सकती हूँ। ओहो नहीं, एंड मनी भी कलेक्ट। ओके 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 ओके, मुझे अननोन नंबर का कॉल आ रहा है। लेट्स सी हु इज़ दिस, एंड इसकी फ़ोटो कितनी अजीब सी है। ओके लेट्स गो, आई सी योर फाइनली बैक, पता नहीं कौन है, हु आर यू, मतलब हम कह रहे हैं यू डोंट नो मी, मतलब वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मतलब ये स्टार्ट्स वाई आस्क्ड, वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर चैटिंग, जस्ट चेक द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, आई कैच यू अप प्लेटो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये कौन था ये तो हमें नहीं पता, बट कह रहे कि हम तो वो हमें जानता है। एंड यहाँ कुछ रखा है उसने, शायद लेट अस गो टू कलेक्ट इट। उसने कहा कि वो बाद में रह के हमें कैच करेगा, पता नहीं कौन था, वो अलग इंसान है। वहाँ पे पता नहीं क्या छोड़ा है, कहीं बॉम्ब वॉम तो नहीं है, हमारा शॉप उड़ाने से पहले हमें उड़ा डाल लेना वो, कोई बात नहीं, लेट अस गो 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 गो। हैं, वो कह रहा था कि वो हमें कैच करेगा एंड वो हमें कॉइन्स दे के चला गया, ठीक है लेट्स लेट अस गो। एंड ये जो उड़ने वाली पर्पल कलर की पता नहीं क्या है, वो हमें कह रहा है कि हम लोग रिच हो गए, वाह 10 कॉइन्स में हम लोग रिच हो गए, कितने महान रिचर है ना हम लोग। चलो ओके ओके, सो अब करना क्या है इसका। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया मुझको, ये जो कस्टमर्स आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये कस्टमर्स आएंगे ये चीज़ें खरीदेंगे एंड फिर एक चीज़ का हमें 20 कॉइन मिलेगा एंड हमें पैसा देंगे। ओके लेट अस गो एंड कलेक्ट इट। पहले तो मैं यहाँ पे जिसे रखाती हूँ फिल कर लेती हूँ फुल सेवा जाती, वैसे कस्टमर्स तो लाइन से आ ही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, दो तो हैं ही, कोई बात नहीं। ओहो सो लेट अस गो गाइस, मेरी फर्स्ट अर्निंग आ चुकी है एंड हम इसे अब अनलॉक कर सकते हैं। स्पीड अप, ओके मेरी वॉकिंग स्पीड ये कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हो गई है, लग रहा है इंक्रीज़ हो गई है।
सो लेट अस गो एंड जल्दी जल्दी से चीज़ें रख लेते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे हमारे कस्टमर वेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई कस्टमर वेट करे, बट क्या करें, एक कस्टमर इधर वेट करेगा तो एक उधर के कैशियर में। कोई बात नहीं, अब ये रख कर बस जल्दी से जाते दौड़े दौड़े। एंड मैं आपको एक दुखद खबर बताती, बेचारी चल नहीं सकती, आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है। ओके, कोई बात नहीं, तब भी एक गुड बिजनेस वूमन बन सकती है। एंड यहाँ पे हमारे एक और कस्टमर आ गए, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से एक और पैक करके आ जाते हैं। काश, ओहो, मैंने तो डिब्बा ही नहीं लिया, महान व्यक्तित्व हूँ मैं, ले लीजिए। अच्छा, मैं समझ में आया, यहाँ लिखा ही है ज़ीरो मिल्क। अब मैं मिल्क कैसे खरीदूँ भाई, हैं? चलो बाहर निकलते हैं पहले, हाँ कुछ दिखा रहा है वो मैं ख़रीद सकती हूँ। एंड यू डोंट हैव एनी ट्रक्स येट, ओके। ये अंकल ऑटो, ओ हे माना इट्स यू, आई जस्ट वॉज पासिंग बाय एंड डिडंट नॉट बिलीव व्हेन आई सॉ द स्टोर डोर ओपन। आर यू स्टार्टिंग अगेन? वेल आई एम ट्राइंग टू, गुड, रिमेंबर डैट अंकल ऑटो इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प, थैंक यू ऑटो अंकल। सो ये हमारे एक अंकल हैं एंड ये कह रहे हैं कि हमारे हेल्प कर सकते हैं, एंड इनके ट्रक भी है तो कह रहे हैं हम कि आई सी यू हैव गॉट अ ट्रक आउट द, ओ प्लीज़ नॉट द ट्रक, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, डोंट इफ़ यू माइंड गिविंग इट फॉर सम टाइम फॉर डिलीवरिंग अंटिल आई गेट माई नो, ओके, जस्ट वॉच आउट फॉर द ब्रेक्स, इट डज वर्क properly, thanks अंकल ऑटो। सो पहले तो अंकल ऑटो मना कर रहे थे कि हम लोग को नहीं दे पाएंगे, बट उन्हें लगा कि अब हमने अपना परेशानी बता दिया कि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है या उतनी एक न्यू ट्रक नहीं है, तो जब तक हमारी खुद की ट्रक नहीं आ जाती आप प्लीज़ हमें दे दीजिए। सो अब हमें करना क्या है? अच्छा, रोड रनर साइन क्या वही लगेगा क्या हमारे लिए चीज़ें? ओके, दिस हैपेंड, चलो ट्रेल आ गया हमारे पास, अब जल्दी से जाते अपने कस्टमर को बिना वेट कराए, थोड़ा सा वेट तो उन्हें करना ही पड़ेगा हमारी वजह से, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से जाते हैं एंड ये सारी चीज़ें रखकर जल्दी से आ जाते हैं। ओके, एंड वी आर डन, नॉट येट, जल्दी जल्दी से रखते हैं, एंड ये जल्दी जल्दी से ला रहा है। ओके, वो ख़त्म हो गया था, डैट्स में मैं नहीं उठा ला पाई। मुझे ये भी ध्यान देना होगा कि वो ज़ीरो है, तो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, तो तब तक मैं जाती हूँ कैश काउंटर से लोगों के मनी कलेक्ट कर लेती हूँ। एंड लेट अस गो, तो इधर लिखा है कि हम लोगों का अपग्रेड करने की बारी आ गई, कि अपग्रेड करते हैं कर पाए कि शायद ये टाइमिंग से रिलेटेड तो नहीं है शायद, एंड वहाँ पे लिखा भी है टाइम 30 कोइंस रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं बाद में, थोड़ा सा जल्दी से जाके रखते हैं, जल्दी जल्दी से हमें सारे काम करने हैं, हमारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, लेट अस गो फास्ट। सो जल्दी से नॉक नॉक, हूज देयर, ये कौन है भाई, पता नहीं कौन है। हेलो, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आई एम सुपर गुड एट प्रेटी मच एनी थिंग, मे आई टॉक टू द मैनेजर? यू कॉन्ट सी द मैनेजर, ही इज सुपर बिजी, बट यू आर इन, लेट मी सी वॉट वी कैन फाइंड फॉर यू। ओके, सो लेट अस गो, आई, इसका नाम है जिजियान, सॉरी मैं नेम तो सही से नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे कुछ नाम ही अलग से लग रहा है। ओके, हमारे लिए इतनी हेल्प कर रही है ये, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, ओ सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, सो लेट अस गो, ये हमारी हेल्प करा रही है, तब तक हम जल्दी से जाके कस्टमर्स, अरे, मैंने तो बॉक्स लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा हम वर्कर को और मतलब कर सकते हैं अपग्रेड, कोई बात नहीं बाद में करते थोड़ा और। एंड लेट अस गो, हमारे जो कस्टमर्स है वो भी बहुत हमसे खुश दिख रहे हैं, एंड हमारी वर्कर तो है ही तेज़ तरह, देख रहे कहते हैं मतलब आग निकल रही, इतने तेज दौड़ रही बेचारी, कोई बात नहीं, अब हमारा एक काम तो सुलझ ही गया है, चलो जल्दी से मिल्क रख कर मैं भी आ जाती हूँ।
बिकॉज़ मुझे भी अपना ये काम से मुक्ति चाहिए ना, मैं अब कैशियर ही बन जाती हूँ थोड़े देर के लिए, इसलिए। सो ठीक है गाइस, आज आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने एक वर्कर असाइन कर ली, मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्टोर जो है अच्छा चलने लग गया है। सो गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।